हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। पीरियोडिक टेबल का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बच्चों वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद अपने एक ट्रेंड को रिपीट करें, अपने एक ट्रेंड को रिपीट करें। रेगुलर इंटरवल्स के बाद इंक्रीज हो, रेगुलर इंटरवल के बाद डिक्रीज हो, एक पैटर्न में बढ़े, एक पैटर्न में घटें, उनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो जो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं बच्चों, वो आपकी किताब में भी दी है और आपके लिए बड़ी फेमस है, एंड दैट इज एटॉमिक रेडियस। आप सबने सुन रखा होगा इसके बारे में, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इसकी जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियस की, वो ये कहती है कि यहां मान लो न्यूक्लियस है और ये मान लो शेल्स हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। पर ये डेफिनेशन क्लास 9 10th के लिए तो सही है, पर अगर आप अभी हायर क्लास में आ गए हो तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर था वहां पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली डिफाइंड पाथ हमें पता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की ये पाथ होगी ये बात कुछ श्योर नहीं है। तो सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, यानी एटम की जो बाउंड्री है, एटम की जो बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं है, एटम की बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। कौन सी डेफिनेशन, चाहो तो लिख लो नोट्स बना के, कौन सी डेफिनेशन, दैट द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये डेफिनेशन वैलिड नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, दैट एटम की बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव होता है। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से एटॉमिक रेडियस को हमने नए तरह से मेजर करना स्टार्ट किया। किस तरह से, हमने क्या किया, एटॉमिक रेडियस को हमने बॉन्डेड स्टेट में, है ना, बॉन्डेड स्टेट में या किसी इंटरैक्शन स्टेट में, इंटरैक्शन स्टेट में मेजर किया। हमने फ्री स्टेट में मेजर करना छोड़ दिया, इंडिविजुअल एटम को मेजर नहीं करेंगे, बॉन्डेड स्टेट में। तो बॉन्डेड स्टेट में जो हमने मेजर करने के तरीके निकाले बच्चों, वो कई तरीके हैं जो आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। सबसे पहला हमारा है कोवेलेंट रेडियस, कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तब क्या रेडियस होगा, अब तो फिक्स्ड है बॉन्ड बनने के बाद। दूसरा है हमारे पास बच्चों वांडर वॉल रेडियस, वांडर वॉल रेडियस। थर्ड जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। और जो लास्ट हमको पढ़ना है वो है आयनिक रेडियस। तो पहले हम इन सबको समझेंगे कि ये रेडियस क्या क्या होते हैं, और साथ साथ में ये भी पढ़ते चलेंगे लास्ट में कि इनका ट्रेंड क्या है, कि कैसे वेरी करते हैं, कौन से वेरिएशन अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप वाले वेरिएशन। तो पहले इनको समझते हैं, ये वाले एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन अब वैलिड नहीं है, अब इस तरह के एटॉमिक रेडियस हमको समझने हैं जो बॉन्डेड स्टेट में हो, फ्री स्टेट में नहीं हो, ताकि बॉन्डेड स्टेट में एटम की बाउंड्री डिफाइन हो जाएगी। कोवेलेंट रेडियस, वांडर वॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं कोवेलेंट रेडियस से। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड इवनिंग और अ वेरी गुड नाइट, जिस समय भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। आई एम अलख पांडे, मेरा चैनल फिजिक्स वाला, और पढ़ते रहिए, मजे करिए, मजा आ रहा है। सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 11 आई थिंक, और डेट है आज 17 जून, और हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए देखते हैं हम कि ये कोवेलेंट रेडियस क्या होता है बच्चों। कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस का आइडिया तो आपको था, कोवेलेंट रेडियस बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड आप समझते हैं। मान लीजिए एक एटम ए है, एक एटम ए है, और ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। देखा होगा आपने इस तरह से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड से शेयर हो जाते हैं। इस कंडीशन में पहले के न्यूक्लियस का दूसरे के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, पहले के न्यूक्लियस का जो दूसरे के न्यूक्लियस से डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ए ए। इस डिस्टेंस को आप हाफ कर दो, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस निकालने का तरीका क्या है किसी एटम का, कि उसी के जैसा एक और एटम लो, उसके साथ उसका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करो। उस कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के बाद दोनों एटम के सेंटर टू सेंटर में जो डिस्टेंस हो उसका आधा कर दो, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है, बड़ा आसान था, एकदम क्लियर है।
बढ़िया समझ में आ गया है कि दो सिमिलर एटम्स लो, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करो। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद उनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, बच्चों इस डिस्टेंस का एक नाम भी होता है, डिस्टेंस ए ए को आप आगे पढ़ोगे बॉन्ड लेंथ। क्या पढ़ोगे? बॉन्ड लेंथ। तो इस बॉन्ड लेंथ को आधा जो करते हैं उसी को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अब इसमें सवाल अच्छा क्या बनता है? सवाल अच्छा ये बनता है कि मान लीजिए एटम सिमिलर नहीं है, एटम अलग अलग है, है ना। यहां तो भाई ये डिस्टेंस ये रेडियस दोनों क्या होगा? सेम, क्योंकि एटम सेम है। मान लो एटम्स डिफरेंट है, है ना, एटम्स आर डिफरेंट। क्या कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम में बनता है? बिल्कुल बनता है। HCl का एग्जांपल आपने देखा है, देखा कि नहीं? तो कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम में भी बन सकता है, सिमिलर में भी। ये जैसे एग्जांपल हो गया H2 का, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब डिफरेंट एटम में क्या करना है? अब डिफरेंट एटम में दो कंडीशन है। पहला, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। इसको कैसे समझेंगे आप? ऐसे समझिए दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर अगर सेम है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन की टूवर्ड्स जो बिहेवियर है वो क्या है? सेम है। कि एक कह रहा है हमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा चाहिए तो दूसरा कह रहा है हमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा ही चाहिए। एक कह रहा है हमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा चाहिए तो दूसरा कह रहा है हमें भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन के प्रति जो व्यवहार है वो व्यवहार कैसा है? सेम, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है और दो डिफरेंट एटम है, एक ए और एक बी, और इनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, डिस्टेंस ए बी, जो कि इसको हम बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। पर यहां ध्यान दें, ए का रेडियस और बी का रेडियस बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर यहां पे डेफिनेटली दोनों का रेडियस क्या होता है? सेम होता है। तो यहां पे आपको एक बहुत सिंपल सवाल दे देगा कि HCl में जो बॉन्ड लेंथ है वो इतनी है, HCl या किसी भी जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे मिथेन में बोलेगा CH4 में, है ना, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन हाइड्रोजन की क्या होती है? सेम होती है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, एक जैसे नेचर के होते हैं। तो हमसे बोलेगा इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, बोलेगा कार्बन का रेडियस इतना है, पूछेगा हाइड्रोजन का रेडियस कितना है, तो आप फॉर्मूले में लग के निकाल दोगे। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ना है तब क्या करें बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट मतलब कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एक की कम। जिसकी ज्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं वो उसके अंदर घुस जाएंगे। जैसे मान लो ए बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं ए की बड़ी है, ए की बड़ी है, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा बी ए, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन है बच्चों, ये जो बॉन्ड लेंथ है जिसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 मल्टीप्लाइड बाई साई ए माइनस साई बी। चलिए फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, मैंने कोपचे में लिखा है, बहुत हट जाते हैं इधर से। क्या लिखा है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बॉन्ड लेंथ इज इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 चाई ए माइनस चाई बी। अब ये माइनस वाला टर्म क्यों आया? सोचने की बात है। हुआ ये होगा कि अब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड कुछ अंदर चले आए होंगे, मतलब जो रेडियस है वो थोड़ा कम हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर चले आए होंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस। अब यहाँ पे चाहिए चाई भी क्या है बच्चों? चाहिए चाई भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है डिफरेंट एटम में तो माइनस वाला सिंबल आना है, सेम है तो सिंपल आर ए प्लस आर बी ले आना है। अब इसमें सवाल क्या आ सकता है? बोल देगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इतना है, है ना, आपसे बोल देगा बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, HCl की जो बॉन्ड लेंथ है वो दे देगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दे देगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देगा, आपसे पूछेगा कि रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या है, है ना। जैसे HCl का केस लो तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दे देगा, एक का रेडियस दे देगा एक का गायब, कुछ भी मतलब वेरिएबल्स डाल के एक वेरिएबल को गायब कर देगा। तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। तो बच्चों ये था कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या है? इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंबाइनिंग एटम्स, अगर एटम सेम है, अगर डिफरेंट है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर ए प्लस आर बी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है, एटम भी डिफरेंट है, तब ये फॉर्मूला यूज करके आप कोवेलेंट रेडियस दोनों का अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था कोवेलेंट रेडियस।
बच्चों इसके बाद जो सेकेंड तरह का रेडियस हमको पढ़ना है, सेकेंड टाइप का, वो है वांडर वॉल रेडियस। वांडर वॉल रेडियस, बच्चों वांडर वॉल रेडियस क्या होता है? देखो कोवेलेंट बॉन्ड तो सबको पता था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। वांडरवॉल फोर्स होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में, बिना बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स में, है ना। वांडरवॉल जो फोर्स ही होती है वो किसमें होती है? विदाउट एनी बॉन्ड, विदाउट एनी बॉन्ड। अच्छा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो द मॉलिक्यूल्स हैव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। द मॉलिक्यूल्स, मान लो यहां पर एक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं मॉलिक्यूल है, ए बी, यहां पे भी एक मॉलिक्यूल है ए बी, ये मॉलिक्यूल हुआ। ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप बचपन से पढ़ रहे हो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वैन डेर वाल फोर्स। दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बचपन से पढ़ रहे थे उसी का नाम क्या है? वैन डेर वाल फोर्स। तो वैन डेर वाल फोर्स से बना वैन डेर वाल बॉन्ड, और ये कब आएगा? विदाउट एनी बॉन्ड, वैन डेर वाल रेडियस, वेरी सॉरी, कब आएगा? वैन डेर वाल रेडियस की बात कब करेंगे? जब कोई बॉन्ड नहीं हो। जैसे मान लो यहां एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, यहां दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, अब इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस समय इनके सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टू इज नोन एज वैन डेर वाल रेडियस। तो वैन डेर वाल रेडियस कहां पे लगाना है? एटम में कि मॉलिक्यूल में? मॉलिक्यूल में लगाना है। दो मॉलिक्यूल्स जितना क्लोज आ सकते थे आ गए, क्या बोला मैंने? दो मॉलिक्यूल्स, क्या बोला? दो मॉलिक्यूल्स जितना क्लोज आ सकते थे आगे, क्लोजेस्ट अप्रोच में, इससे क्लोज नहीं आ सकते। इससे क्लोज लाओगे तो दूर भाग जाएंगे, इससे क्लोज लाओगे तो वो दूर, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। जितने क्लोज आ सकते थे आगे उस टाइम पे इनके जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर का उसका हाफ कर दो, दैट इज वैन डेर वाल रेडियस। कब काउंट होगा? विदाउट एनी बॉन्ड काउंट होगा। क्लियर है वैन डेर वाल रेडियस? जैसे मान लो और अच्छे एग्जांपल दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है ए बी, यहाँ एक और बना लेते हैं ए बी, यहाँ एक और बना लेते हैं ए बी, ठीक है। हमसे किसी ने कहा कि हमें वैन डेर वाल रेडियस चाहिए बी का, वैन डेर वाल रेडियस किसका चाहिए? बी। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाए, अब बी से बी के सेंटर का डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी क्लोजेस्ट अप्रोच में, डिवाइड बाई टू कर दो, दैट इज वैन डेर वाल रेडियस ऑफ बी। हमसे किसी ने कहा नहीं वैन डेर वाल रेडियस चाहिए ए का, तो आप ए से ए को जितना क्लोज ला सकते थे लाए, इनके बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डिवाइड बाई हाफ वैन डेर वाल रेडियस ऑफ ए। क्लियर है? तो वैन डेर वाल रेडियस मॉलिक्यूल्स में निकलते हैं, मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंट एटम का निकालना है, तो जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वैसे निकालना होगा कि जब B का निकालना है तो B के सामने B को रखा, A का निकालना है तो A के सामने A को, क्लोजेस्ट अप्रोच पे ले जाके डिस्टेंस को निकाल के हाफ से डिवाइड कर दो। बहुत क्लियर होगी बात। इनका जो सबसे बड़ा यूज है बच्चों वो है अपना इनर्ट गैसेस में। अच्छा मेरे को बताओ क्या इनर्ट गैसेस, क्या नोबल गैसेस बॉन्ड बनाती है? नहीं बनाती है, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में नोबल गैसेस बॉन्ड, तभी तो इनर्ट बोलते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो जो नोबल गैसेस का रेडियस होता है वो होता है वैन डेर वाल रेडियस। रिएक्ट तो करेंगे नहीं, बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं, तो विदाउट बॉन्ड अपने से जितना जितना क्लोज आ सकती है, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया हीलियम और यहाँ पे ले लिया दूसरा हीलियम, जितना क्लोज आ सकते थे आए, इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस ऑफ हीलियम टू हीलियम डिवाइड बाई टू, दैट इज रेडियस ऑफ हीलियम। और ये कौन सा रेडियस है? वैन डेर वाल रेडियस। कोई आपसे पूछे क्या हीलियम का, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या हीलियम का कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। हीलियम का सिर्फ क्या निकाल सकते हो? वैन डेर वाल रेडियस। तो वैन डेर वाल रेडियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। तो ये दूसरे तरह का हमारा रेडियस था। अब मैं यहां आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं कि कौन सा रेडियस बड़ा होगा, वैन डेर वाल रेडियस की कोवेलेंट रेडियस? सोच के बताइए, सोच के रिप्लाई करिएगा, कौन सा रेडियस बड़ा होगा, रेडियस वैन डेर वाल बड़ा होगा कि रेडियस कोवेलेंट बड़ा होगा? सोच के बताइएगा। देखो वैन डेर वाल में दिख रहा है आपको कि बीच में कुछ गैप भी छूटा है, तो ये रेडियस डेफिनेटली बड़ा होगा। कोवेलेंट में क्या हो रखी थी? ओवरलैपिंग। कोवेलेंट में ओवरलैपिंग, तो ये वाला रेडियस तो कम आएगा और ये रेडियस ज्यादा। सो वैन डेर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। नोट्स में डालेंगे ये बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन में भी अभी मैं सिखाऊंगा इसको, एक जगह एक्सेप्शन आएगा वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा।
एग्जांपल मिलेगा कि वंडरवॉल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट में हो रखी है ओवरलैपिंग, वंडरवॉल में एटम्स दूर हैं, तो डेफिनेटली ये रेडियस बड़ा होगा। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है। मेरे लेक्चर्स में जो बच्चा नोट्स बनाएगा उसको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। मैं बहुत ही लेंदी लेक्चर्स को बहुत ही छोटे में देता हूँ आपको। अगर आप कोटा वोटा कोचिंग्स में यही लेक्चर लेने जाओगे तो आपको ये लेक्चर्स कम से कम 10-12 लेक्चर्स मिलते हैं, उन्हीं लेक्चर्स को मैं 7-8 में कंडेंस करता हूँ। अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जो कोटा में पढ़ रहा है या कोई मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप बता देना कि कहाँ पे कमी रह जाती है, कहाँ पे टॉपिक छूट जाते हैं, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, टॉपिक वही रहते हैं, बस उसको कंडेंस मुझे करना पड़ता है, क्योंकि अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, अपन अफोर्ड नहीं कर सकते 2-2 घंटे के वीडियोस, तो इसलिए जरूरी आप नोट्स बनाओ। मैं उन्हीं बातों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बातें नहीं छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, अभी आज मेरे आज एक्सेप्शंस देखिएगा, फिर अपने जिस भी टीचर्स पढ़ रहे हैं आप एक्सेप्शंस देखिएगा, मेरे एक्सेप्शन देखिएगा पीरियड टेबल के, तब आपको समझ में आएगा। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे तरह के रेडियस की, दैट इज मेटालिक रेडियस। भाई साहब, मेटालिक रेडियस, अब जैसा कि नाम बता रहा है कि मेटल होना चाहिए तभी मेटालिक रेडियस होगा। मेटल जो होते हैं ना वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, आयनिक बॉन्ड भी नहीं बनाते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बनाते। मेटल एक अलग ही तरह का इंटरेक्शन है। जैसे आपसे मैं बोलूं कि आपके पास एक आयरन का रॉड है, उसमें क्या है, आयरन 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 आयरन, कैसे 1D 2D की 3D, बोलो 1D 2D की 3D, 1D 2D की 3D, 3D में आयरन का रॉड है तो 3 डायमेंशन है, हर तरफ आयरन है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बन नहीं सकता। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक मेटल एक नॉन मेटल चाहिए होता है, आयनिक बॉन्ड भी नहीं बन सकता उसमें मेटल नॉन मेटल। कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल शेयर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट में एक डोनेट करे, कुछ ऐसा होना नहीं है। तो यहाँ पे एक नए तरह का बॉन्ड बनता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है कि मेटल्स के पास आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स हैव व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन, सबने पढ़ रखा है। तो मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सरफेस पे तैरते रहते हैं। अब मान लो यहाँ एक मेटल की प्लेट है पूरी, ठीक है, सपोज कर लो मेरे पास एक मेटल का प्लेट है, अब उस प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन ना अगल बगल वाले मेटल को भी अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, दो एटम एग्जांपल समझाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का, ये यहाँ का, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन बड़ा फ्री है, बड़ा आजाद है, ये घूमता हुआ यहाँ भी आ रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को भी पकड़ के रखा है, इसको भी पकड़ के रखा है, साथ साथ में इधर के न्यूक्लियस को भी पकड़ के रखा है, साथ में इधर के न्यूक्लियस को भी पकड़ रखा है। ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ग्लू की तरह पूरे में फ्लो कर रहा है ना, ऐसा समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ग्लू की तरह फैला हुआ है और सारे न्यूक्लियस को चिपकाए रहते हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम मेटालिक बॉन्डिंग या मेटल की लैटिस बोलते हैं, कि मेटल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें हमारे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, HCP, CCP, FCC, 12th क्लास में आपको पढ़ने होते हैं, किसी ने पढ़ रखे हो अगर देख रहा हो वीडियो। तो ये जो बॉन्डिंग होती है जिसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन्स बगल के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके अपने बांधे रखते हैं या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं, चिपके रहते हैं, उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इस समय पे दो एटम के सेंटर टू सेंटर में मेटल के मेटल में जो डिस्टेंस होगा डिवाइड बाई टू, दैट इज मेटालिक रेडियस। इसमें और कोई कहानी है नहीं बताने के लिए। मेटालिक रेडियस क्या है कि मेटल की लैटिस बना लो, मेटल का क्रिस्टल बना लो, मेटल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं कि अमॉर्फस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अमॉर्फस वो होता है जिसका कोई शेप साइज ना हो, चेंज हो सके, मेटल क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, डिफाइन शेप होता है, तो डिफाइन शेप में उनके दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस लेके टू से डिवाइड कर दो, दैट इज मेटालिक रेडियस। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब मेरे को बताइए कि कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस और मेटालिक रेडियस में कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा, पूरा अरेंज करिए। चलिए भाई साहब, सब लोग अपने आप करेंगे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तो वंडरवॉल होने वाला है, क्योंकि आप मेटालिक देख रहे हो ऐसा था, वंडरवॉल ऐसा था और कोवेलेंट ऐसा था, ये कोवेलेंट है, ये वंडरवॉल है और ये मेटालिक है, तो सबसे बड़ा तो वंडरवॉल होने वाला है डेफिनेटली, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा। इसके बाद ये किए सोच के बोलो, ये तो सबसे छोटा हो गया, ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब इसके बाद मेटालिक रेडियस और मेटालिक के बाद कोवेलेंट रेडियस। तो ये किताबों में दिया होता है, कैसे आया आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ा वंडरवॉल क्योंकि बॉन्ड नहीं है, उसके बाद मेटल, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, उसके बाद कोवेलेंट क्योंकि ओवरलैपिंग भी हो चुकी है। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक सी बातें थी जिसमें हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेडियसेस बताए एटम के। अब हम बात करते हैं कि इनके क्या वेरिएशन होते हैं। तीन तरह के रेडियस समझ गए, कौन कौन से, कोवेलेंट, वंडरवॉल और मेटालिक। सबसे बड़ा कौन, वंडरवॉल, फिर कौन, मेटालिक, फिर कौन, कोवेलेंट। आइए बात करें वेरिएशन की,
वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कैसे वेरी करेगा? दो जगह वेरिएशन पढ़ना होता है आपको, बताइए। एक तो अलोंग द पीरियड, ठीक है, और एक होता है डाउन द ग्रुप, है ना। ग्रुप में हम कहां से कहां पढ़ते हैं? टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे। और पीरियड में हमेशा हम कैसे पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं। अगली बार पक्का बताऊंगा, पक्का पक्का वादा। तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आओ कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। सेकंड पीरियड का एग्जांपल से मैं समझाता हूं हमेशा। सेकंड पीरियड का एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और समझो, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड। जेड को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। जेड क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। तो इसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। भाई न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। मान लो किसी के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, तो उसके ऊपर टोटल न्यूक्लियर पे चार्ज कितना है? 3। इसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8। आप देखो सब में नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ शेल सब में सेम है। यहाँ पे कितनी शेल है? 1, 2। यहाँ पे 1, 2। यहाँ पे 1, 2। यहाँ पे 1, 2। यहाँ पे 1, 2। दो दो शेल। तो शेल से तो डिफरेंस आने वाला नहीं, सबके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सेम है। तो डिफरेंस किससे आएगा बच्चों? डिफरेंस किस चीज से आएगा? डिफरेंस आएगा न्यूक्लियर चार्ज से। किससे आएगा? न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। यहां पे देखो, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 प्रोटॉन खींच रहे हैं। और यहां पे देखो, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं। और यहां पे देखो, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको 9 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो भाई इसका साइज छोटा होगा इसका कि इसका? सोच के बोलो, बनाया मैंने जैसा भी हूं, सोच के बोलना। यहां पे कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं? 9। तो जब 9 प्रोटॉन खींचेंगे तो इसका साइज ज्यादा छोटा होगा। यहां पे 6 ही खींच रहे हैं और यहां पे तो 3 ही प्रोटॉन है। तो क्योंकि ऐसे जाते जाते प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते जाते, लेफ्ट टू राइट जाते जाते नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए टेक्निकल टर्म हम क्या यूज करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। तो हम बोलेंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ? प्रोटॉन्स बढ़े, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन बढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या बढ़ता है? अट्रैक्शन बढ़ता है। और ये अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे जो जनरल ट्रेंड है वो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। फिर आते हैं डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम। तो इसमें तो कोई खास कहानी होती नहीं है भाई। नीचे जाते वक्त आपको पता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं, सबको पता होगा। एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, नंबर ऑफ शेल 1, 2, 1, दो शेल, यहाँ पे 2, 8, 1, तीन शेल, यहाँ पे 2, 8, 8, 1, चार शेल। तो डेफिनेटली इसका साइज बड़ा होगा, 1, 2, 3, 4, और इसका साइज छोटा होगा, एक शेल है। आप देख रहे हो नंबर ऑफ शेल, यहाँ देखो एक शेल, यहाँ दो शेल, यहाँ तीन शेल, यहाँ चार, के एल एम एन। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, तो डेफिनेटली साइज नीचे जाने पे बढ़ता है। तो नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस, बोले मेरे साथ, इंक्रीजेस, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। तो ये तो यार दुनिया बढ़ती है, ये तो आप 9, 10 पे भी पढ़ चुके होंगे। बात आती है एक्सेप्शन से, क्योंकि सवाल आते हैं एक्सेप्शन से, आपको भी पता है, आप भी ढूंढ रहे हैं मेरे वीडियो में, आप भी एक देखने आओ कि एक्सेप्शन कहाँ पे, ये सबको पता था। आइए एक्सेप्शन की बात करते हैं। पहले एक चीज समझ लो, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस घटता है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अगर देखो एक चीज सुन लो, कोई प्रॉपर्टी अगर इस तरफ घट रही है तो इस तरफ बढ़ती है, इधर घट रही तो इधर बढ़ेगी, है ना। कोई चीज अलोंगर पीरियड बढ़ रही है तो डाउन द ग्रुप घटेगी, ये तो होना ही है ना, अपोजिट। आओ एक्सेप्शंस दिखाते हैं आपको, जो आप देखने आते हो वीडियो में।
ठीक है। तो अब तो वीडियो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आयनिक रेडियस का कंसेप्ट आने वाला है। कई लोग अब तक वीडियो बंद करके चले गए होंगे, तो उन लोगों की आत्मा को भगवान सुखी रखे, क्योंकि उन्होंने मेन टॉपिक तो छोड़ दिया। आइए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन से कहानी। सबसे पहला एक्सेप्शन पीरियड नंबर वन में आने वाला है। पहले पीरियड के एलिमेंट्स बोले हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? डिक्रीज। बट होता क्या है, हीलियम का एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन से बड़ा होता है। ऐसा होता है, होना क्या चाहिए था, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए था, बट हीलियम का एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन से बड़ा निकला। रीजन, रीजन बड़ा सिंपल है। हीलियम अपनी कौन सी गैस है? नोबेल गैस। नोबेल गैस के लिए क्या डिफाइंड है? सिर्फ वैन डेर वाल्स रेडियस। खत्म कहानी, खत्म खेल, बात खत्म। नोबेल गैस का क्या डिफाइंड है? वैन डेर वाल्स। और हाइड्रोजन का कौन सा रेडियस लेते होंगे अपन? कोवेलेंट। तो अपन को पता है क्या कि वैन डेर वाल्स रेडियस बड़ा होता है कोवेलेंट से। हमेशा नहीं ले सकते, पर नोबेल गैस में तो लेना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और रेडियस है ही नहीं। तो कई बार आता है सवाल कि हीलियम का रेडियस हाइड्रोजन से ज्यादा क्यों है, जबकि इधर जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए। तो आप बोल दो कि हीलियम के पास सिर्फ वैन डेर वाल्स रेडियस है, जो कि डेफिनेटली कोवेलेंट रेडियस से बड़ा। ठीक है, क्लियर है। सेम एक्सेप्शन आपका पीरियड नंबर टू में आएगा, देख लो अपने आप बता दोगे। पीरियड टू, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसको कोई कहे अरेंज करो, तो अरेंज करने में इस तरफ जाते वक्त एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज तो करेगा। लिथियम का कम, सॉरी लिथियम का ज़्यादा, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन तक तो कहानी सही है, इस तरफ एटॉमिक रेडियस घटता जा रहा, घटता जा रहा, घटता जा रहा। बट नियॉन का रेडियस इन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? रीजन यही है, नियॉन का कौन सा रेडियस डिफाइंड होगा? वैन डेर वाल्स। बाकी सबका कौन सा डिफाइंड है? कोवेलेंट। तो नियॉन हैंस एक्सेप्शनली हाई एटॉमिक रेडियस बिकॉज ऑफ वैन डेर वाल्स। सेम चीज पीरियड थ्री में होगी। अब अपने आप मेरे ख्याल से आप कर लोगे। पीरियड थ्री अपना कौन सा है? सोडियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन, एर्गन। तो क्या होगा? सोडियम का सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, और एर्गन सबसे आगे आ जाएगा। बिकॉज इट बींग अ नोबल गैस ओनली इट हैज वैन डेर वाल्स रेडियस, इट डज नॉट हैव कोवेलेंट रेडियस। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये पहला एक्सेप्शन था वैन डेर वाल्स रेडियस के चलते कि सभी पीरियड में जो नोबल गैसेज हैं उनका एटॉमिक रेडियस एक्सेप्शनली हाई। ठीक है, क्लियर है, मजा आया, बहुत बढ़िया। तो आइए अब एक बड़ा कमाल का एक्सेप्शन आपको दिखाते हैं, जो कि हमारा डी ब्लॉक का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो डी ब्लॉक सबने पढ़ रखा होगा पीरियोडिक टेबल में। डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? स्कैंडियम से, एटॉमिक नंबर 21, टिटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आप क्या सोच रहे हो एटॉमिक रेडियस कैसा होगा? जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसी है कि भाई इस तरफ जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दिख ही रहा है, 23, 24, 25 नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, है ना? ऐसा हम सोच रहे थे, ये हमारी क्या थी एक्सपेक्टेशंस। तो आजकल आप वो लोग करते हो, आप लोग, है ना, वो चीज़ क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। तो आइए रियलिटी देखते हैं। रियलिटी थोड़ी अलग है। रियलिटी में बच्चों क्या होता है, रियलिटी में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक बीच में एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाता है, और फिर यहाँ से यहाँ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। भाई एक्सेप्शन केस पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो शुरू में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, देन सर्टेन पीरियड के लिए कॉन्स्टेंट, देन उसके बाद इंक्रीज करता है, रेगुलरली डिक्रीज नहीं करता है। रियलिटी में ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी सवाल आ जाता है। आइए बच्चों इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्कैंडियम 21 का आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 3s2, जल्दी से एक बार करके दिखाता हूँ, 1s2, 2s2, है ना, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, यही होता है ना, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 20, 20, 21, 3d1, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, स्कैंडियम का 3d1, इसका आएगा 3d2, इसका आएगा 3d3, क्रोमियम का 3d4 की जगह क्या आता है, 3d5, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज का भी d5 ही रहता है, आयरन का d6, कोबाल्ट का d7, निकल का d8, यहाँ पे d9, यहाँ पे d10, आपको पता है d9 भी नहीं आता,
डी टेन आता है, कॉपर में भी एक्सेप्शनल, दो एक्सेप्शनल मैंने कई बार बताए हैं, क्रोमियम और कॉपर में, है ना, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल की वजह से। तो ये एक तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई आपको पहली डी सीरीज में, है ना, ये क्या है 3D1, ये क्या है 3D2, 3D3, 3D4, तो आपसे बोल सकता है 3D सीरीज, इसको बच्चों 3D सीरीज बोलते हैं, 3D सीरीज में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, तो आप बोलोगे D4 नहीं है, D9 नहीं है। खैर यहाँ पे तो सवाल हमारा कुछ और ही चल रहा है कि ये पैटर्न क्यों हुआ। बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे, एक इस वाले में कितने आए, दो, इस वाले में कितने आए, तीन, बढ़ते जा रहे। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल चीज़ हुई D5 और D6 में, आइए दिखाते हैं, पांच ले लिया मैंने, D में पांच होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आया 6, ठीक है। अब 5 है 6 आने से क्या हो रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुने, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन स्टार्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहां से यहां तक अभी इलेक्ट्रॉन कम थे, इलेक्ट्रॉन आर लेस, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, पर यहां से यहां क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, 21, 22, 23 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, या इसको आप बोलो जेड बढ़ रहा है। तो यहां से यहां तक में जेड के बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अभी इतना ज्यादा नहीं है। यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आया जिसकी वजह से ये फैलना चाह रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाह रहा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस कम होना चाह रहा है, यहां दोनों फैक्टर आपस में फाइट कर रहे हैं इस जगह पे। तो यहां पे ये जो जेड बढ़ रहा था इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, दोनों ही फैक्टर एक दूसरे के बराबर है, तो ना एटॉमिक रेडियस बढ़ पाया ना घट पाया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा, इतना ज्यादा बढ़ रहा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन अभी इतना नहीं है, अभी इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, इतना रिपल्शन नहीं हो रहा, अभी एक ही फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया है कि इस फैक्टर के साथ लड़ रहा है और एटॉमिक रेडियस ना बढ़ पा रहा ना घट पा रहा। आप आगे आओ D8 बनाता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो फैक्टर है, रिपल्शन वाला जो फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने वाले फैक्टर से ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि एटम का रेडियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा जिसकी वजह से एटम का रेडियस घटना चाहिए, और वो फैक्टर इतना ज्यादा नहीं डोमिनेट कर रहा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो बच्चों ये कहानी थी यहां पे कि शुरू में सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, बाद में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बराबर हो गए, ना बढ़ पाया ना घट पाया एटॉमिक रेडियस, लास्ट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। और हमने ऐसा देखा कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इतना ज्यादा कि ये एक्सपैंड कर गए, ठीक है। तो मैंने बताया शुरू में ये वाला फैक्टर डोमिनेट किया, बाद में ये वाला फैक्टर, बीच में दोनों बराबर। तो एग्जाम में बात आती है कि कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, मान लो हमसे कहता है अरेंज करो, हमें इसमें से उठा के कोई चार एलिमेंट दे देता है, कोई भी चार एलिमेंट, जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो करीब करीब बराबर, हमसे कहता है मैग्नीज कोबाल्ट टाइटेनियम वेडेनियम सबको कंपेयर करो, शुरू में क्या हो रहा है घट रहा है, बाद में फिर बढ़ रहा है, तो एक कंफ्यूजन भी हो सकती है कि भाई जिंक का रेडियस बढ़ा है कि टाइटेनियम का बढ़ा है, यहाँ पे घट रहा है फिर वहां पे बढ़ा है, बीच में घटा है बढ़ा है। तो इन सब कंफ्यूजन खत्म करने के लिए है ना, हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं जिससे आप इसको पूरा याद कर सकते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम जिंक वेनेडियम कोबाल्ट निकल, याद ऐसे करेंगे, स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं, ठीक है, स्कूटी स्कैंडियम टाइटेनियम में कोई मतलब नहीं, जिंक वैसे वेनेडियम लास्ट में कोई नहीं, ये ऑर्डर है हमारा, बड़ा 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 इससे बड़ा इससे बड़ा, बीच में कुछ एलिमेंट बच गए वो बराबर हैं, उन सबको बोल दो बराबर,
जितने बच गए उनको बराबर, कौन कौन छूट गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या बचा, क्रोमियम, और क्या बचा, मैग्नीज, और क्या बचा, आयरन, और क्या बचा, कॉपर, और क्या बचा, हो गया ना सारे। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया इसका, सबसे बड़ा स्कैंडियम, फिर टिटेनियम, फिर जिंक, फिर वेनेडियम, फिर ये चार बराबर, फिर कोबाल्ट निकल, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बहुत डिस्टर्ब था तो हमने ये आपको बना दिया। स्कूपी में जिंक वैसे कोई नहीं, और जितने बच्चे उनको क्या लिख दो, बराबर। तो इसको नोट कर लें, ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना चाहिए 3D सीरीज में, और यही ऑर्डर 4D और 5D सीरीज में भी होता है। 4D समझ रहे हैं, इसके नीचे वाली सीरीज, 5D समझ रहे हैं, उसके नीचे वाली सीरीज, यही एक्सेप्शन उसमें भी मिलेगा, वहां ऑर्डर याद करने की अभी जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जा रहा। आइए आपको नेक्स्ट एक्सेप्शन दिखाते हैं, एक्सेप्शन नंबर 3, डी ब्लॉक के अंदर ही है ये भी, दिस इज ऑल्सो इन साइड डी ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए समझते हैं, मान लिया कि हमने स्कैंडियम, यामाहा, लाओ एक, याद है, स्कूटर, यामाहा, लाओ एक, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ठीक, एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 57, नेक्स्ट इसके बगल में स्कैंडियम, टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, टी जरा हाफ, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, ये सब मैंने आपको सिखाया पीरियोडिक टेबल के वीडियो नंबर 2 में, है ना, कैसे इसको याद रखना है, टी जरा हाफ, यहां पे एटॉमिक नंबर आता है 72, ध्यान देना, यहां से कुछ एलिमेंट्स गायब हुए हैं, जो कि आपको पता है कि 58 से 71 कहां चले गए हैं, लैंथेनॉइड्स में, कहां चले गए हैं, लैंथेनॉइड्स में चले गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वेनेडियम, वो नवाब था, ठीक है, वेनेडियम, नवाबियम, टैंटेलम, यहां पे 73, यहां पे 23, एंड सो ऑन। बच्चों ये डाउन अ ग्रुप आप जा रहे हो, तो डाउन अ ग्रुप जाते वक्त क्या एक्सपेक्ट करोगे, डाउन अ ग्रुप जाते वक्त क्या एक्सपेक्ट करोगे, ये एक्सपेक्ट करोगे कि एटम का रेडियस बढ़ेगा। जैसे हम पूछे यहाँ एटम का रेडियस के बारे में क्या कहोगे, तो आप बोलोगे स्कैंडियम का छोटा होगा, उससे बड़ा यूट्रियम का, उससे बड़े लैंथेनम का, यही बोलोगे। जैसे जैसे नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एकदम सही है। यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया इस वाले में, यहाँ ट्रेंड हुआ टाइटेनियम, उससे बड़ा जर्कोनियम, और हैफनियम उसके करीब करीब बराबर, ठीक है, यहां से यहां तक बड़ा हुआ, पर यहां यहां करीब करीब बराबर। जैसे यहां पे भी यही चीज हुई, मेरिडियम का छोटा, इसके बाद नायोबियम, और करीब करीब टैंटेलम के बराबर। ये क्या हो रहा है, ये 4D और 5D, 4D और 5D सीरीज का एटॉमिक रेडियस करीब करीब सेम हो रहा है। यहां पे ऐसा नहीं हुआ, नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हुआ, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि कुछ कहानी यहां पे हुई होगी, 57 के बाद जाके ही कुछ कहानी स्टार्ट हुई है। ये तो रेगुलर ट्रेंड है, ये तो रेगुलर ट्रेंड है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यहां कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है, इनका रेडियस मैच नहीं कर रहा, तो यहां पे आगे कुछ हुआ होगा। बच्चों क्या हुआ ये समझते हैं, लैंथेनॉइड्स में क्या खास बात होती है, 57 के बाद जो जंप हुई उसके बाद एटॉमिक रेडियस करीब करीब बराबर, यहां से यहां एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, तो लैंथेनॉइड्स में, लैंथेनॉइड्स में दैट इज एटॉमिक नंबर 58 टू 71, आप जानते हो धीमे 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 एफ सबशेल भरती है, 4F फिलिंग होती है ना, यहाँ पे 4F सबशेल भरती है, 4F भरते वक्त एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, क्या होता है मेरे साथ बोलो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब हम 4F में चलते हैं ना, तो साइज बहुत ज्यादा कम हो जाता है, सडनली साइज बहुत ज्यादा कम। जब हम लैंथेनॉइड सीरीज में चलते हैं, तो लैंथेनॉइड सीरीज में एटम्स का साइज बहुत ज्यादा कम, ये मैं आपको लैंथेनॉइड सीरीज दिखा रहा हूं, यहां से यहां जाते वक्त, लैंथेनॉइड सीरीज में 58 से 70 जाते वक्त एटम का साइज बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, इतनी तेजी से डिक्रीज करता है कि 72 नंबर आने पर भी एटम का साइज छोटा रह जाता है, जिस वजह से जर्कोनियम और हैफनियम का रेडियस करीब करीब बराबर। नंबर ऑफ शेल्स बड़ी होंगी तो रेडियस ज्यादा होना चाहिए था, बट ड्यू टू दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक बहुत ही मैसिव कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड में, जैसे ही हम चलते हैं ना 58-71, तो एटम का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन के चक्कर में हैफनियम का साइज छोटा रह जाता है, और जिसकी वजह से जर्कोनियम हैफनियस का रेडियस करीब करीब बराबर, या जिसकी वजह से 4D और 5D सीरीज का रेडियस, कोई आपसे पूछता है 4D और 5D सीरीज का रेडियस क्यों बराबर है, क्यों नहीं यहां से यहां रेडियस बढ़ा, तो आप बोलोगे ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हम सबके मन में आ रहा है कि ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो समझाया पड़ेगा, बिल्कुल समझाएंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए कि 4D से 5D जाते वक्त अगर आप इसको छोड़ दो,
स्कैंडियम, यूट्रियम और लैथनम को। इसके बाद सब में ये और ये का रेडियस बराबर, इसके और इसका रेडियस बराबर, इसके और इसके रेडियस बराबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां से यहां रेडियस बढ़ना था, पर लैंथनम के बाद रेडियस अचानक से बहुत छोटा हुआ 58 से 71, और 72 वाले पे रेडियस छोटा रह गया, जिसकी वजह से ये दोनों करीब करीब बराबर। अब आता है इसका रीजन क्या है, तो रीजन के लिए आइए देखें। रीजन के लिए बच्चों हेडिंग डालें एक नया टॉपिक पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपको पढ़ा देता हूं मैं, सब पढ़ना चाहिए हम लोग को, सब समझना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, आइए समझिए शील्डिंग इफेक्ट। नया टॉपिक है, हेडिंग डाल दें शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों? मान लो ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस को अपने अंदर छुपा लिए और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स। सो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो शील्ड करते हैं किसको, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। किससे शील्ड करते हैं? फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बचाते हैं, न्यूक्लियस के इफेक्ट को कम कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये कहां पे होगा? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होगा। कौन दिखाता है? इनर इलेक्ट्रॉन। ये देखो शील्ड की तरह बन गया, न्यूक्लियस को छुपा लिया अपने अंदर, बाहर इलेक्ट्रॉन तक इफेक्ट को नहीं जाने दे रहा। इसको समझेंगे तभी लैंथन और कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा। अच्छा हमारे पास चार सबशेल हैं एस पी डी एफ, सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है एस के पास, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। पूछोगे क्यों? ड्यू टू देयर शेप, ड्यू टू देयर शेप। एस न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो एस न्यूक्लियस के सबसे पास है, न्यूक्लियस को दबा के रखता है। एफ बहुत डिस्पर्स्ड होता है, एफ का शेप कैसा होता है? बहुत डिस्पर्स्ड, एट फोल्ड होता है, पूरी तरह से बिखरा हुआ है, पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तो न्यूक्लियस का मान लो एफ ऐसा है, ये एफ है, अब ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बचा पाएगा? और एस कैसा है? ये एस है, न्यूक्लियस को बंद कर लिया अपने में, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा सकता है। तो एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, ड्यू टू देयर शेप्स। एस पूरी तरह से न्यूक्लियस को अपने दबा लेता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचा लेता है, एफ नहीं बचा पाता, एफ नहीं बचा पाता। तो इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट समझ गए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। किसको शील्ड करते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। कहां से? फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? उसको रिपेल करते हैं, और अगर इमेजिन कर लें तो एक शील्ड की तरह बन जाते हैं। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। बहुत बढ़िया। अब इतनी बात समझने के बाद आप लोग आ जाओ वापस कि ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यों, ये 58 से 71 कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यों। तो भाई साहब यहां जो फिलिंग होती है 4F0, 4F1, 4F2 एंड 4F14 तक की फिलिंग होती है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी रहता है बीच में, पर ओवरऑल ट्रेंड तो यही होगा। एफ के पास होता है बच्चों पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अभी आपने देखा शील्डिंग इफेक्ट में सबसे पीछे कौन है? एफ। शील्डिंग इफेक्ट की सीरीज एस पी डी एफ। एफ का सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब इट कैन नॉट शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अब अगर एफ शील्ड नहीं कर पाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन, सो आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस। तेज लिखने के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, गाड़ी तेज चलाओ जूम। सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि एफ का शील्डिंग इफेक्ट खराब है, ये एफ है ठीक है, और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। एफ इनको शील्ड नहीं कर पा रहा है, एफ हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसका शेप इतना खराब है कि बाहर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत कस के खींच लेगा। अगर न्यूक्लियस खींच लेगा बच्चों, सो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। यहां पे डिक्रीज बहुत ज्यादा क्योंकि एफ का शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर है। इसके पहले डी था, ऊपर जो कहानी चल रही थी 3D 4D में वो डी था, तो डी भी फिर भी शील्ड कर रहा था, बिल्कुल शील्ड नहीं कर पा रहा। एटम का साइज यहां से यहां जाते वक्त एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहा, बहुत तेजी से, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। क्लियर है?
और 58 से 71 में एटॉमिक रेडियस बहुत डिक्रीज करता है, इसी वजह से 72 का एटॉमिक रेडियस करीब करीब उसके ऊपर वाले एलिमेंट के बराबर आ जाता है। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गया बढ़िया से एकदम? नहीं आया बस इसको जरूर रिपीट करके देखो। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई पूछे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही क्यों होता है, अब सवाल आ गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही क्यों होता है, तो आप बोलो बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। इसको कई लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन किया है ना, स्क्रीन की तरह एक्ट किया है ना, ये इनर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन की तरह ऐड किए बाहर, तो बोलो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो तुम्हें बोल रहा हूं वर्ड से मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा एक्सेप्शन अब क्लियर हुआ होगा एटॉमिक रेडियस का। इसमें मैंने कई खास बात आपको बता दी, जैसे आपसे पूछता है कि लैंथेनॉइड में अचानक से एटॉमिक रेडियस क्यों बहुत कम हो गया, ऑल्दो पीरियड में यहां से यहां चलते वक्त एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करना चाहिए, पर लैंथेनॉइड में बहुत ज्यादा डिक्रीज क्यों किया, तो आप बता सकते हो बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। तो इससे मैंने आपको सिखाया क्या, मैंने आपको सिखाया स्कैंडियम, युट्रियम, लैंथेनम, टिटेनियम, वनेडियम, सॉरी टिटेनियम टी जरा हाफ, वनेडियम वो नवाब था, ठीक है, एटॉमिक नंबर 57, 72, 73, 21, 22, 23। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि यहां से यहां आते वक्त रेगुलर ट्रेंड फॉलो हुआ, स्कैंडियम छोटा फिर युट्रियम फिर लैंथेनम, पर यहां से यहां ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ, टिटेनियम छोटा उससे बड़ा, जर्कोनियम और हैफनियम करीब करीब बराबर। तो ये वाली चीज क्यों हुई, क्योंकि 58 से 71 एटॉमिक रेडियस बहुत तेजी से डिक्रीज किया, और डिक्रीज करने से एटम का रेडियस इतना छोटा हो गया कि यहां से यहां बढ़ने की बजाय करीब करीब बराबर, और ये बहुत छोटा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। तो एक ये लंबी कहानी थी, कई लोग इसको क्लास 12 के डी ब्लॉक में पढ़ाते हैं, मैंने आपको अभी बता दिया, वेरी गुड, क्लियर हो गया ये एक्सेप्शन। तो ये सारे एक्सेप्शन थे बच्चों जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो इतनी बात करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज आयनिक रेडियस। किसके रेडियस की बात करेंगे अब हम, आयनिक रेडियस की, आयन का रेडियस। तो बच्चों आयनिक रेडियस क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक एटम है, बहुत बढ़िया, इसमें से मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो मेरे पास एम प्लस बन जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एटम की जगह मैं लिख लूँ एम, एम में से एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल लिया, निकल गया तो आपको बचा एम प्लस। या हो सकती है बात कि आप एम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, अरे रे 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 क्या हुआ इलेक्ट्रॉन को ले डाला, ठीक है। तो ये दो चीज हो सकती है, एम प्लस को हम लोग बोलते हैं क्या, केटायन, एम माइनस को बोलते हैं एनायन, ठीक है। तो जो ऑर्डर होता है बच्चों ये होता है कि एनायन की साइज सबसे बड़ी होती है, फिर आता है एटम, फिर आता है केटायन, ठीक है, केटायन सबसे छोटा, फिर एटम, फिर एनायन। तो ऐसा क्यों हुआ, सवाल आता है दिमाग में, व्हाई सच अ थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, व्हाई केटायन हैज द स्मॉलेस्ट साइज व्हाइल एनायन हैज द लार्जेस्ट साइज, व्हाई 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 व्हाई, आइए समझते हैं। देखो बच्चों, मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये एटम था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ जाएगा, है कि नहीं, है ना। जैसे घर में मान लो आप लोग दो भाई बहन हो, ठीक है, तो अभी आप शैतानी करते हो, आपका भाई भी करता है, दोनों को बराबर से पिटाई होती है, ठीक है। मान लो एक भाई आपका चला गया, अब पिटाई तुम्हारी अकेले की होगी, एक साथ ही चला गया, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, इफेक्ट ज़्यादा होने से कैटायन का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, इसीलिए कैटायन का एटॉमिक रेडियस एटम से छोटा होता है। एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने ज़्यादा तेजी से खींचा, तो कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा। एनायन की बात करें, अब आपका कोई भाई है दिल्ली में रहता है, ठीक है, अभी दो लोग पिट रहे हो घर में पापा से, एक भाई और आ गया तो तुम खुश हो जाते हो ना कि कुछ पिटाई उसको पड़ेगी, तो वही बात है, एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया, नया इलेक्ट्रॉन आने से न्यूक्लियस का इफेक्ट सारे इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, अभी तक चार को खींच रहा था अब पांच को खींचना पड़ रहा है, इफेक्ट कम होने से ये एक्सपैंड कर जाएगा, अब इसको इतनी स्ट्रांगली न्यूक्लियस नहीं खींच पा रहा, तो एनायन का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो न्यूक्लियस का इफेक्ट हर इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एटॉमिक साइज ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा, एटॉमिक साइज छोटा। तो ऑर्डर क्या होता है, एटम से बड़ा एनायन, एनायन क्यों बड़ा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो
न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो गया, और कैटायन का साइज छोटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा। तो एक चीज याद रखनी आपको कि कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा, एनायन का साइज बड़ा। ठीक है, एनायन में तुम ऐसे इसको इमेजिन कैसे कराते हैं स्टूडेंट्स को, हम बोलते हैं सोचो खूबे सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आ गए, क्या आ गए, खूबे सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, खूबे सारे इलेक्ट्रॉन आने से सोचो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो गया, खतरनाक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में खतरनाक रिपल्शन हो गया। तो रिपल्शन होने से वो एक्सपैंड कर गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतना रिपल्शन हो गया कि वो एक्सपैंड। तो इससे याद रखो निगेटिव वाला बहुत बड़ा, पॉजिटिव वाला तो छोटा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे आपसे मैंने पूछा एच एच प्लस एच माइनस, बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप बोलोगे सबसे छोटा कौन होगा, एच प्लस, फिर कौन एच, फिर कौन एच माइनस। मैं आपसे पूछूं एन माइनस, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, अब बताइए सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा कौन। इस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा, साइज सबसे बड़ा, तो एन माइनस थ्री सबसे बड़ा, फिर एन माइनस टू, फिर एन माइनस। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मैं आपको दे दूं अगला क्वेश्चन। ओ टू माइनस, ओ माइनस वन, तो ओ टू माइनस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो ओ माइनस वन से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और क्या दे दूं, एफ प्लस एफ माइनस और एफ, बताइए तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एफ प्लस, फिर कौन आएगा एफ, फिर कौन आएगा एफ माइनस, क्योंकि नेगेटिव आने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा, साइज बढ़ गया। तो ये तो बस सिंपल सी बात हो गई कि कैटायन एटम एनायन, कैटायन एटम एनायन, यहां पे क्या हुआ, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज। जैसे एक और क्वेश्चन ये देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई लोग अब तक सो गए होंगे लेक्चर में, ये कितना लंबा चल रहा है। जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम 6 प्लस, अब बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो इसमें 6 प्लस है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन कम बचे उनपे पुल ज्यादा, तो सी आर 6 प्लस छोटा, सी आर 3 प्लस बड़ा। तुम इतना समझो जितना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा साइज उतना छोटा, और जितना नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो Fe 2 प्लस, Fe 3 प्लस, बताओ कौन छोटा कौन बड़ा, Fe 2 प्लस बड़ा हो जाएगा, 3 प्लस छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैंगनीज के ऊपर, Mn 2 प्लस, Mn 4 प्लस, Mn 6 प्लस, सबसे छोटा कौन हो जाएगा 6 प्लस, फिर कौन 4 प्लस, और सबसे बड़ा Mn 2 प्लस। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी बड़ी। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई, आइए इसका ट्रेंड देखते हैं हम लोग। ट्रेंड, व्हाट इज योर ट्रेंड, ट्रेंड पहला अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, पीरियड के अलोंग क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, पीरियड के अलोंग अगर चार्ज सेम है तो वही कहानी रहेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस घटेगा। सेकंड, डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहां भी पैटर्न सेम रहेगा, सब पे मान लो सेम चार्ज है, नीचे जाते नंबर ऑफ शेल तो बढ़ी रही है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। मतलब यहां पे अलोंग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, अलोंग अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, जो रेगुलर ट्रेंड था, जो रेगुलर ट्रेंड था वही चलेगा इफ, नोट करें, इफ चार्ज इज सेम, यदि सब पर चार्ज सेम है तब, ध्यान से सुनो मेरी बात, यदि सब पर चार्ज सेम, मान लो क्वेश्चन ही आ गया Na प्लस, Mg 2 प्लस, Al 3 प्लस, अब बोल किसका छोटा किसका बड़ा, बता बता भाई किसका छोटा किसका बड़ा। तो अब ये नॉर्मल वाला सोचना मत कि ये हम पीरियड में जा रहे हैं तो इधर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, नहीं, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होगा क्योंकि सब पे चार्ज डिफरेंट है, सब पे चार्ज डिफरेंट है, अभी चार्ज सेम की कहानी थी। ठीक है, इफ चार्ज इज सेम, सब पे प्लस वन, सब पे प्लस टू, सब पे प्लस थ्री, ऐसा कुछ हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, अरे रे रे एल आई प्लस, एन ए प्लस, के प्लस, ठीक है, मान लो ये हमारे पास है इतना है, चलो हमसे बोला इसको अरेंज करिए एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में, तो सिंपल है, आरबी प्लस सबसे बड़ा होगा, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, फिर के प्लस आएगा, फिर एन ए प्लस आएगा, फिर एल आई प्लस आएगा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर, अच्छा सवाल अच्छा बनता है बच्चों, नोट करें आप लोग, आइजो इलेक्ट्रिक स्पीशी या आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी जब आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो क्या हो क्या हो, बोलो मेरे साथ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों, बस क्वेश्चन आ गया, हमारे पास क्वेश्चन आ गया ओ टू माइनस, एन थ्री माइनस, एफ माइनस, एन ए प्लस, एम जी टू प्लस, हमसे कहा इन सब को आप एटॉमिक रेडियस में या आयनिक रेडियस में, यहां तो आयन का रेडियस है,
आयनिक रेडियस में अरेंज करिए, किसमें अरेंज करिए, आयनिक रेडियस में। अब बताओ सब डिफरेंट है, पहली बात ये सब सेकंड पीरियड से आए हैं, ये थर्ड पीरियड से आए हैं, ये सेकंड पीरियड वो थर्ड पीरियड, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, कितने हो गए 10। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 3 माइनस मतलब 3 और आ गए 10। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 माइनस मतलब 1 और आ गया 10। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 चला गया, प्लस का मतलब 1 चला गया 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 प्लस मतलब 2 चले गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसी स्पीसी को, ऐसी स्पीसी को हम बोलते हैं आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, दोज स्पीसी विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइजो इलेक्ट्रॉनिक। यहां देखो सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, सोडियम पे चार्ज प्लस 1, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 इलेक्ट्रॉन थे प्लस 1, एक इलेक्ट्रॉन गया 10। तो बच्चों आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी का रूल क्या है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा उसका साइज छोटा होगा, खत्म बात। साइज इज इनवर्सली, अब इसमें ग्रुप नहीं देखना, इसमें पीरियड भी नहीं देखना, इसमें ग्रुप नहीं देखना, इसमें पीरियड कुछ नहीं देखना, इसमें देखना है आइजो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी साइज छोटी। चलो एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, जेड की एटॉमिक नंबर 8 7 9 11 और ये 12, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा उसकी साइज सबसे छोटी, सबसे छोटा कौन हो गया मैग्नीशियम, फिर कौन आएगा सोडियम, फिर कौन आएगा 11 के बाद 9 फ्लोरीन, फिर कौन आएगा ऑक्सीजन वो 2 माइनस, इसके बाद कौन आएगा नाइट्रोजन एंड 3 माइनस। क्या बात क्लियर हो रही है आपको, कैसे डिसाइड किया मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 12 11 9 8 7, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो सिर्फ क्या देखो एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा उसकी साइज सबसे छोटी हो जाएगी। एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियर का चार्ज, जिसमें न्यूक्लियर में चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी साइज सबसे छोटी, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, और नीट और जेई मेंस में तो यहीं से सवाल आपको मिल जाते हैं आसान आसान, अगर इजी सवाल होगा तो जेई मेंस या नीट का आपको इसी से मिल जाएगा। आइजो इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन फॉर्म कर दे रहा हूँ, अपने आप बताना S2-P3-Cl-Al3+, हमसे कहा इसको अरेंज करिए, हमसे कहा इनको अरेंज करिए, इसको हटा देते हैं L3+ को, इन ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए 18, फॉस्फोरस का 15, 3 और आ गए 18, क्लोरीन का 17 माइनस मतलब एक और आ गया 18। तो पहली बात तो ये क्या है आइजो इलेक्ट्रिक, आइजो इलेक्ट्रिक है बच्चों, तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। आइए एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर जेड चेक करें 16 15 17, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा उसकी साइज सबसे छोटी, सबसे छोटा क्लोरीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फॉस्फोरस। क्लियर हो गई है बात।